नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहारों को लेकर जनपद के पुलिस व ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के सभागार में बैठक की। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जनपद में दशहरा पर्व को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित करने के लिए सभी शहर के चौकी प्रभारी व ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा, शहर में 19 चौराहों पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। इन सभी चौराहों पर सिविल पुलिस व ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि आपस में समन्वय बनाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करवाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पब्लिक का आवागमन बढ़ेगा। उनके आवागमन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद, कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जनपद में कुल 29 ऐसे सिटी क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में 29 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है या 29 ऐसे चौराहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर अक्सर ट्रैफिक का वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है, लोगों का आवागमन वहां पे ज़्यादा रहता है, और कहीं ना कहीं हमारे प्रयास भी वहां पर ज़्यादा होने चाहिए, ताकि अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था से अच्छी तरह के आयोजन और त्यौहार मनाए जाएंगे, अधिक संख्या में पब्लिक मार्केट में जाएगी, शॉपिंग करेगी। उस दृष्टिकोण से भी ये अभियान बहुत जरूरी है। सभी 29 के 29 स्थानों पर नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मंडी के अलावा